नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। एक हाथ में कटार तथा दूसरे हाथ में प्रवेश पत्र लेकर दूल्हा पहुंचा परीक्षा देने। जालौन नगर क्षेत्र स्थित कैलाशी देवी महाविद्यालय का मामला है, जहां थामनी गांव निवासी गौरव जो श्रीमती अमृत कुमार महाविद्यालय का छात्र है, जिसका 9 मई को टीका था तथा 10 मई को पाण ग्रहण संस्कार कार्यक्रम आयोजित था, लेकिन 10 मई को उसका पेपर है, जहां पर गौरव दूल्हा कलाई में कंगन बंधा तथा हथेली पर मेहंदी रचाए हुए एक हाथ में कटार तथा दूसरे हाथ में परीक्षा प्रवेश पत्र लेकर अपनी नई नवेली दुल्हन को शादी के कार्यक्रमों को छोड़कर परीक्षा केंद्र पहुंचा। जब दूल्हे से बात की गई तो उसने बताया कि पहले शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का धन सबसे बड़ा धन है, इसलिए वो पहले पेपर देने आया। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह शादी की बाकी रस्मों को निभाकर वह अपनी नई नवेली दुल्हन को विदा कराकर घर ले जाएगा। आइए परीक्षा केंद्र के प्रभारी की जुबानी। महोदय, आपके डिग्री कॉलेज में एक बच्चा अभी पेपर देने आया जो दूल्हे के वेश में था। हमने उसको देखा तो उसका कहना ये था कि वो सीधा शादी के मंडप से आया है। जी, क्या नाम है उस बच्चे का और किस जगह से आया और क्या आपका संदेश है? ये जो परीक्षार्थी है, इसका नाम गौरव है जी। और ये श्रीमती अमृत कुमार महाविद्यालय अठारह का छात्र है जी। और हमारे यहाँ पर आज ये पेपर देने आया है। इसका आज डिफेंस स्टडीज का इसका आज एग्ज़ाम है जी। और आज ही इसकी शादी थी और आज ये एग्ज़ाम देने आए। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा अपने भविष्य को लेकर ये जागरूक है और हम तो उसे शुभकामनाएँ दे रहे हैं कि भविष्य में ये आगे बढ़े। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर कल कई बच्चे आई थी, तो ऐसी कई बच्चियाँ हैं जिनकी शादी है, हाथ में मेहंदी लगाते बच्चियाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अब ये देख रहे हैं शिक्षा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और अच्छी बात है, ये देश आगे बढ़े और बच्चे हमारे नौजवान भविष्य का युवा हैं और ये देश को आगे बढ़े। क्या नाम है भैया आपका? गौरव। गौरव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम धामनी। धामनी, आप ये दूल्हे के वेशभूषा में हैं और पेपर देने आए हैं जी। क्या शादी आपकी आज थी क्या? नहीं, कल। अच्छा, तो अभी विदा हो गई है? अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है, सीधा शादी के मंडप से आए हैं? हाँ, सीधी शादी मंडप से आए। किस विषय का पेपर है आपका? नैतिक शिक्षा का पेपर है, डिफरेंस। डिफरेंस का पेपर है। अच्छा, आप आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश सर है, पहले पढ़ाई, उसके बाद अन्य काम जी। हाँ, तो ये तो मैं तो अपनी पढ़ाई पर डिफरेंस देता हूँ, इसलिए मैं पेपर देने आया, इसके बाद शादी होगी। अच्छा, इसके बाद आप अपनी दुल्हन घर ले जाएंगे? इसके बाद पहले पेपर पहले पेपर।